आज मेड इन इंडिया के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए वाराणसी, जहां गंगा किनारे देश विदेश से लोग आते हैं, कोई अपने पाप धोने के लिए, तो कोई सांसारिक संपत्ति से मुक्ति पाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। और इसी विचार या भावना के साथ कुछ लोग जाते हैं मक्का मदीना या फिर जेरूसलम, और आप में से बहुत सारे जाते हैं गोवा या फिर लास वेगास। लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया भर के हर एक्टर एक्ट्रेस या मॉडल को यहाँ आना चाहिए वाराणसी अपना माथा टेकने के लिए, क्योंकि यहाँ के एक शख्स की बदौलत आज 40 साल का एक्टर कॉलेज स्टूडेंट्स के रोल निभा सकता है। हर हीरोइन सिर्फ 24 की ही दिखती है, भले पासपोर्ट में उम्र और कुछ क्यों ना हो। 2600 साल पहले, जी हाँ 2600 साल पहले, यहाँ के एक शख्स की बदौलत जितना ही फोटोशॉप करवा लो कम होता। हम बात कर रहे हैं सुश्रुत की, जिनके योगदान के बिना शायद ही मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करता। बात पुरानी बात, बात है एकदम खास, ना कोई इसमें जंतर मंतर, सच है भैया बार। खोल के देखो ये पिटारा, इंडिया कैसा देश है न्यारा। बनारस दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक। सदियों से ज्ञान का भंडार रहे इस शहर में 600 BC के आसपास एक ऐसे विद्वान आए जिन्होंने मेडिकल साइंस का स्वरूप ही बदल दिया। ये थे सुश्रुत, और मेडिकल साइंस को इनकी देन थी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, जो कि आजकल एक आम बात है। लेकिन 2000 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बनारस हमेशा एक धार्मिक स्थल के नाम से जाना गया है। शायद ही किसी के जहन में आया होगा कि नोज जॉब कराना है तो बनारस चलो। लेकिन तकरीबन 6th century BC में ये शहर आयुर्वेद और धर्म के अलावा कई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए माना जाता था, और इन सब का श्रेय भी सिर्फ सुश्रुत को ही जाता है। सुश्रुत पर जानकारी का भंडार मिलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 100 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी में मॉडर्न और एंशिएंट मेडिसिन पर रिसर्च साथ साथ की जाती है, और यहाँ हम मिले डॉक्टर भट्टाचार्य से, जिनकी गिनती भारत में बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन्स में होती है। सुश्रुत, अगर हम नाम देखें तो सुस मीन्स वेल, श्रुता मीन्स हर्ड ऑफ, जिनको लोग जानते हैं, जिनके बारे में लोग मानते हैं, जिनके बारे में लोग सुनते हैं, इसका मतलब वो आदमी जो ज्ञानी है। आयुर्वेदिक साइंस में वो एक विद्वान व्यक्ति थे। आयुर्वेद की इस ज्ञानी को यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर साहू एक प्रेरणा मानते हैं। हम सभी भारतीय, न केवल भारतीय बाकी अभी विश्व के सभी शल्य चिकित्सक ये मानते हैं कि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक थे। शल्य चिकित्सा के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी सुश्रुत से पहले कभी रही नहीं है। बहुत सारे शल्य चिकित्सा आज भी उसी रूप से जो है प्रैक्टिस की जाती है। हैरानी की बात यह है कि आजकल की कई मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे राइनोप्लास्टी, सी सेक्शन और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी भी सुश्रुत ने उस सदी में की, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है राइनोप्लास्टी। नाक का अंग जब हट जाता है, कट जाता है, तो उस नाक को बनाना बहुत जरूरी समझा उन्होंने, क्योंकि नाक हमारे चेहरे के सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है, सबसे ऊंचाई पे है। तो इसके लिए उन्होंने गाल से फ्लैप लेकर के, फ्लैप मतलब चर्बी और चमड़ा दोनों मिला करके, उसको इस्तेमाल किए हैं नाक के लिए, जिसको हम लोग चीक फ्लैप कहते हैं। ये चीक फ्लैप में उन्होंने जो चीज स्पष्ट ढंग से बताया वो है प्लानिंग इन रिवर्स, मतलब ऐसा अंग उठाओ, उतना मांस और चमड़ा उठाओ जो कम ना पड़े और ज्यादा भी ना पड़े। ये जो प्लानिंग इन रिवर्स वो करते थे, ये वो पत्ते पर करते थे,
क्रीपर्स के पत्ता जो लता होते हैं उनके बड़े पत्ते होते हैं, नाक से बड़ा पत्ता, ताकि उस पत्ते को ले करके वो पहले जख्म का नाप लेते थे। उस जख्म के नाप के साइज का जहां से लेना है इसका मतलब गाल में रखते थे और वहां पर वो डिजाइन करते थे पेन से, ताकि एकदम सही डिजाइन जो जख्म का है वो गाल पे आ जाए और फिर वो ऑपरेशन करके उसको लाते थे। प्राचीन भारत में सुश्रुत की इस इन्वेंशन ने उस समय लोगों का चेहरा ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल दी, और यही मानती है हिस्टोरियन विभा त्रिपाठी। उस स्वर्ण युग में अगर वो पैदा हुए तो बहुत फ्लरिशिंग सोसाइटी रही होगी, लेकिन दंड विधान भी रहे होंगे। राजा ने दंड दिया और नाक कान कटवा दिया, तो वो एक ऐसा दंड था जो कि समाज में उस व्यक्ति को रहने लायक नहीं छोड़ता था। तो उन्होंने जैसे भी उसको सीखा समझा या अपनी जो उनकी सहानुभूति थी ऐसे लोगों के प्रति, इसलिए उन्होंने उसको डेवलप किया। क्योंकि ब्यूटी का बहुत बड़ा महत्व था उन दिनों, तो ब्यूटीफुल करने के लिए ही प्लास्टिक सर्जन है। प्लास्टिक सर्जन को सेंस ऑफ ब्यूटी दूसरे सर्जनों से बेहतर है, इसमें दो राय नहीं है, और ये सुश्रुता के काम से भी पता चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उस समय जब कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एक्सरे मशीन्स या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थे, तो सुश्रुत ने इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज कैसे की? वेल, उन्होंने सर्जरीज में 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से 20 तेज और 101 ब्लंट थे, जो मेटल के अलावा वुड और हॉर्न से बने थे। और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की खास बात यह थी कि वो नेचर से प्रभावित थे, जानवरों और पक्षियों की तरह दिखा करते थे। आज के मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइन जॉ बोन होल्डिंग फोर्सेप उनके सिंहमुख यंत्र से काफी मिलता जुलता है। ये जो औजार वो बनाए थे वो आज भी हम लोग उसके कई ढंग के औजार मिलता जुलता इस्तेमाल करते हैं। सुश्रुत ने बायोप्सी फॉर्सेप से लेकर के बोन कटर, कैटरेक्ट के नाइफ, तो इस तरह से बहुत फाइन से फाइन इंस्ट्रूमेंट सुश्रुत का उन्होंने डिजाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। बिल्ली के पांव, कैट्स पॉ, ये कैट्स पॉ एक ऐसा औजार है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि स्किन और चमड़ा और चर्बी हटा के रखे हमारा असिस्टेंट और मैं अंदर काम करूं। जितने हमारे फॉर्सेप्स हैं, फाइन फॉर्सेप्स, डिफरेंट डिजाइन फॉर्सेप्स, ये सब पक्षियों के ओट के आकार के हैं। ताकि दोनों आराम से इसको पकड़ सके और फाइन वर्क कर सके। नेचर के बहुत क्लोज थे और ऑब्जर्व बहुत अच्छे ढंग से करते थे और सोचते थे कि कैसे मैं इसका इस्तेमाल करूं। सुश्रुत के अनुसार एक अच्छा वैद्य होने के लिए मेडिसिन और सर्जरी से संबंधित हर विषय की जानकारी होना जरूरी था, और उतना ही जरूरी था उसका प्रैक्टिस। तो वो अपने छात्रों को लेकर तरबूज, खीरा, तुरई जैसे फल और सब्जियों पर सर्जिकल इंसिजंस करना सिखाते थे, कीड़ों की खाई गई लकड़ियों की जांच करना सिखाते थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, इन तरह के वर्कशॉप्स आज भी होते हैं। सुश्रुत की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने शिष्यों को उपनयन किया है, शिष्य के लिए और गुरु के लिए उन्होंने कुछ मापदंड रखे हैं। उनका ये कहना है कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज जो है सर्जरी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो कहते थे कि अगर एनाटॉमी नहीं आता है तो अच्छे सर्जन कैसे बनेंगे। आजकल की तरह उस समय भी सर्जरी का एक अभिन्न अंग था एनेस्थीजिया, जिसके कई विकल्प सुश्रुत ने निकाले। सुश्रुत ने एनेस्थीजिया के लिए मदिरा का भी उपयोग किया, और जब कुछ कुछ केसेस में उसका असर ज्यादा नहीं होता था तो उनके 4-5 हट्टे कट्टे शिष्य आते थे और मरीज को कस के पकड़ते थे और फिर वो सर्जरी शुरू करते थे।
एनेस्थेशिया उस समय भी ज्यादातर टॉपिकल था, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन लीव से जो बनते थे उसको अप्लाई करने से उसको कम फीलिंग होती थी पेन, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव, इसलिए कि बड़े मेजर ऑपरेशंस डिस्क्राइब्ड हैं। रात का अंधेरा, गंगा किनारे, दूर कहीं एक कुत्ते की भौंकने की आवाज। सुश्रुत और उनके विद्यार्थी यहां गंगा किनारे आते थे और लाश के बहने का इंतजार करते थे। जैसे ही कोई लाश आती थी वो उस लाश को अपनी ओर खींचते थे और उस लाश के ऊपर एक लोहे का पिंजरा लगाते थे। उसके बाद क्या? डाइसेक्शन। वो अपने विद्यार्थियों को ये सिखाते थे कि इंसान के शरीर के अंदर क्या क्या होता है। उस लाश के शरीर को, मांस को काट के, चीर के, खोल के वो अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे मेडिकल साइंस। आदि काशी, जहां आज भी कुछ स्तर रह गए हैं, वहां पे उन दिनों वो डेड बॉडी का डिसेक्शन करते थे। उतने दूर क्यों शहर से? इसलिए कि उन दिनों ये माना जाता था कि जो डेड बॉडी का डिसेक्शन करेगा वो अधर्म है। कभी ऐसा कहा जाता है कि कुछ ब्राह्मणों ने देखा था कि ये इस तरह से मानव शरीर को ले आते हैं, और तो एक तरह से जाति बहिष्कार हुआ। और कुछ ऐसा भी माना जाता है कि शायद वही वजह थी कि वैद्यों को या सर्जन्स को किसी भी शुभ काम में एसोसिएट नहीं करता भारतीय, जो हमारा परंपरागत विश्वास है। और शादी में, ब्याह में बहुधा वर्जित होता है कि वो लोग ना आए, क्योंकि इस तरह के काम जो कि समाज जिनको बहुत हेय दृष्टि से देखता था वो ये लोग करते थे। तो सुश्रुत के साथ भी ये चीजें जुड़ी। सुश्रुत एक ब्राह्मण थे। उस समय लाशों के साथ सीधा संपर्क अशुभ माना जाता था। उन्होंने लोहारों के साथ ज्यादा वक्त बिताकर न सिर्फ उनका हुनर सीखा लेकिन उसमें माहिर भी हो गए। उन्होंने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हर वर्ण के इंसान में अपनी विद्या बांटी। सुश्रुत ने अपनी कला की खोज में समाज के हर नियम को तोड़ा, और अगर शायद वो ऐसा नहीं करते तो आज हम उनके बारे में आपसे बात नहीं कर रहे होते। जो आदमी बहते हुए डेड बॉडी को डिसेक्ट कर रहा है तो वो कोई कंजर्वेटिव आदमी नहीं थे उस जमाने में। और उससे अगर हम लोग एनालिसिस करें उनके ब्रेन का, जहां वहां कंजर्वेटिज्म नहीं है, तो मेरे ख्याल से शिष्यों के बीच में, शिष्यों के बीच में भी कोई कंजर्वेटिज्म नहीं था, क्योंकि वो सब उनके नजदीक थे। और उनका प्रकरण ऐसा था, ऐसे सर्जरी था कि जिसमें नजदीक ना आने से हो भी नहीं पाता। सुश्रुत ने कास्ट सिस्टम नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था जो हम आज देखते हैं उनमें चार वर्ण व्यवस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने शायद सामाजिक परिस्थितियों में ब्राह्मण जो लोग रहते थे, विद्या अभ्यास वो लोग ज़्यादा करते थे, उनको प्राथमिकता दिए हैं, लेकिन उन्होंने चारों वर्णों के लोगों को चिकित्सा के लिए उपयुक्त तो उन्होंने बताए हैं, और चारों वर्गों के लोग चिकित्सा के लिए कर्म कर सकते हैं, और उनको शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किए हैं। उन्होंने ये बताया कि जो गुरु है, जो ब्राह्मण है, जो अनाथ है, इनसे पैसा ना लिया जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतने साल पहले सुश्रुत ने कई सारे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल सर्जरीज प्रैक्टिस की। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे राइनोप्लास्टी या यूज ऑफ द पेडिकल फ्लैप, उन्होंने सिजेरियन सेक्शन भी किया, कैटरैक्ट सर्जरी भी की, और तो और ब्रेन सर्जरी भी की, और इन सब के बारे में एक डिटेल्ड किताब भी लिखी जिसे हम सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं। सर्जरी से संबंधित इस किताब का महत्व हमें समझा रहे हैं हिस्टोरियन मारुति नंदन तिवारी। It is the first and the most mature, completely written form में उपलब्ध ग्रंथ है सुश्रुत का, सुश्रुत संगीता। संगीता itself कहता है कि ज्ञान का संकलन, compilation है इसमें, तो compilation plus his own wisdom। इस किताब के 180 chapters में 1100 से भी ज्यादा बीमारियां,
121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 300 प्रोसीजर्स, जानवर, पौधों और मिनरल से बने 650 से भी ज्यादा दवाइयों के बारे में लिखा गया है। एब्डोमिनल इंजुरीज है, थोरेसिक इंजुरीज है, ब्रेन इंजुरीज है, ये सभी तरह का इंजुरी जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है और उसका जो शुरुआत उन्होंने जो है किए हैं। एनिमल ऑरिजिन से भी जो है औषधियों की उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। सुश्रुत संहिता में मेटल से भी औषधि निर्माण और उसके इस्तेमाल के बारे में उल्लेख है। जो ऊंट जो ठीक नहीं होता है या भरने में परेशानियां होती हैं, जैसे डायबिटिक फुट है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी सुश्रुत संहिता में जो लिखी हुई औषधियाँ या चिकित्सा के जो तरीका बताए गए हैं काफ़ी हद तक जो है उसको विकसित किए हैं और उसकी इस्तेमाल हम करते रहते हैं और काफ़ी अधिक सफलता के साथ। करीब 8वीं सदी में संस्कृत में लिखी गई सुश्रुत संहिता को पर्शिया के खलीफ अल मंसूर ने अरबी में ट्रांसलेट करवाया, किताब अल सुश्रुत, और मिडल एजेस के दौरान ये पर्शिया से होते होते यूरोप पहुंच गई और वहाँ के सर्जन्स के लिए एक रेवलेशन थी। कहा जाता है कि यूरोप के लोगों ने ये चीज़ बहुत बाद में देखी और तब उन्होंने जाना कि ये वास्तव में एक इंडियन इन्वेंशन था और वही टेक्निक मोरोलेस बहुत लंबे समय तक चलती रही। सुश्रुत का ज्ञान यूरोप तक तो पहुंच गया लेकिन भारत में इस महान शैल्य चिकित्सक की कला धीरे धीरे लुप्त होने लगी। ये ज़रूर है कि आज की तरह के स्कूल कॉलेजेस तो थे नहीं, छोटे छोटे समूहों में ये इस तरह के ज्ञान विज्ञान छुपे हुए थे और ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ सीमित लोगों तक ही ये ज्ञान फैला रहा। पहले समय पर लिखी हुई चीज़ें कम होती थी, गुरु प्रैक्टिस करते थे, शिष्य उसको देखते थे और उसको दूसरे के पास वो ट्रांसमिट होता था, वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं रुकावट आई। हो सकता है कि ये भी हो कि समाज ने इसको लाभ तो ज़रूर उनको हो रहा था लेकिन वो सम्मान न दिया हो, तो ये भी हो सकता है कि इस कारण भी बहुत से लोग हिचके हों इस तरह के ज्ञान को सीखने में। ऐसा कई लोगों का मानना है कि ड्यूरिंग बुद्ध के समय पर जो है बौद्धिस्ट के समय पर ये जो मरीज के ट्रीटमेंट करना, डिसेक्शन करना और ये जो मरीज शल्य चिकित्सा के दौरान जो रोता है या तकलीफ होता है तो उसको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है। और इसी तरह सामाजिक बदलाव और बहिष्कार के चलते सुश्रुत की खोज की कड़ी टूट गई। दुनिया के इस प्राचीन शहर में जन्मी प्लास्टिक सर्जरी की रेवोल्यूशनरी टेक्निक की कड़ी सुश्रुत के बाद कहीं खो गई। लेकिन हैरानी की बात है कि ये ज्ञान किसी न किसी रूप में भारत में जिंदा रहा और उसका उल्लेख मिलता है 18वीं सदी में जब ब्रिटिश फौज जंग लड़ रही थी मैसूर के शेर टीपू सुल्तान के साथ, मैसूर की तीसरी लड़ाई के दौरान। 1792 में जब ब्रिटिश आर्मी के साथ युद्ध हुआ तो उसमें एक बुलक कार्ट ड्राइवर था जिसका नाम था कवास जी, टीपू सुल्तान उनको गिरफ्तार कर लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर, और एज ए पनिशमेंट उन्होंने उसका नाक काट दिया और एक हाथ काट दिया। 1793 में ये चीज लोगों की जानकारी में आई और एक कुम्हार जात हुआ करते थे जो लोग ईंटा बनाते हैं, वहां एक आदमी था जो इस नाक को फोरहेड के चमड़े से बनाया। इस चीज को ब्रिटिश सर्जन दो थे जिसके सामने ये बनाया गया पुणे में, वो लोग इसको ऑब्जर्व किए। ब्रिटिश सर्जन्स थॉमस क्रूजो और जेम्स फेंडली ने भारतीय कुम्हारों द्वारा की गई रेनोप्लास्टी के प्रोसीजर के बारे में एक ब्रिटिश मैगजीन द जेंटलमैन्स मैगजीन में 1794 में लिखा और इस तरह हजारों साल बाद सुश्रुत की प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक अब दुनिया के सामने दोबारा आ गई। तो एक बार जब ब्रिटेन में पहुंच गया तो वहां से बाकी देशों में फैलने में
कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे यूरोप में फैल गया कि हाँ ये एक टेक्निक है। ब्रिटिश जर्नल में राइनोप्लास्टी का पब्लिश होना मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से इस टेक्निक का ज्ञान पूरे यूरोप में फैल गया और इसी को हम आज मॉडर्न डे राइनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। दुनिया भर के सर्जन आज सुश्रुत के डेवलप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उनकी लेगेसी भले ही बहुत कम लोगों को मालूम हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि नोज जॉब की इजाद भारत में हुई थी। वो फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जरूर थे, क्योंकि इसके पहले इतना विस्तारित ढंग से किसी ने ना लिखा है ना अपने शिष्यों को बोला है। आज भी पूरे विश्व ये मानते हैं कि सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज सर्जरी। अगर कोई आपसे कहे ए, तेरी तो नाक कट गई, नो प्रॉब्लम, उनसे कहिए इसका भी सोल्यूशन मेड इन इंडिया है। और अगले हफ्ते मेड इन इंडिया में हम आपसे मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बात पुरानी बात है एकदम खास, ना कोई इसमें जंतर मंतर, सच है भैया बात। खोल के देखो ये पिटारा, इंडिया कैसा देश है न्यारा, खुलते हैं कितने राज, कान खोल के सुन लो बात। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया।